भजन संहिता अध्याय 80। भजन संहिता अध्याय 80। हे इसराइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एफ्रीम, बिन्यामिन और मनुष्य के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको जो कि त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार कर दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़े का कारण कर देता है और हमारे शत्रु मनमाने ठट्टा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको जो कि त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां परमेश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं? बंसुअर उसको नाश किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिरा स्वर्ग से देखकर ध्यान दे और दाखलता की सुधि ले, और जो पौधा तूने अपने दहिने हाथ से लगाया और जिस लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, उसकी सुधि ले। वह जल गई, वह कट गई है, तेरी घुड़की से वे नाश होते हैं। तेरे दहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है, तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे। तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको जो कि त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा।